हे गाइस, होप आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान। बार बार मैं ये लाइन जो है हर वीडियो के शुरू में बोलता हूँ और कई लोग जो है इससे सुन के पक भी चुके हैं। और ये वीडियो लाने का जो है मेरा बहुत स्पेसिफिक पर्पज नहीं है, लेकिन एक स्टूडेंट के इंसिडेंट ने रिसेंटली मुझे काफी प्रोवोक कह सकते हैं या काफी मजबूर कर दिया कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए। और तो मैं उस स्टूडेंट तक अपनी बात पहुंचा चुका हूँ, लेकिन फिर भी जो है कभी कभी जो है ऐसी चीजें हो जाती है कि हमें अपनी बात कहने का बहुत मन करता है। किसी बहाने शायद कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो जो किसी ऐसे फेज में हो, शायद इस वीडियो के थ्रू जो है हेल्प ले सकते। अब ये सवाल आता है, अभी आपने देखा होगा एक बहुत ही बड़ा रेल हादसा हुआ था उड़ीसा के बालासोर, और उस हादसे में न जाने कितने लोगों की जाने गई हैं और कई सारे लोग जो है वो घायल हुए। और उन सभी लोगों से मेरी सहानुभूति है, लेकिन हम सहानुभूति दिखा के सब कुछ नहीं कर सकते, राइट। बट स्टिल देयर इज अ टू स्टूडेंट्स जिसमें कि जहां तक मेरा मतलब मुझे पता चला है, आई डोंट नो कि कुछ लोग तो थे या नहीं थे, लेकिन दो ऐसे लोग उससे थे जो कि उससे जुड़े हुए, और उसमें से एक इंसान मेरे साथ है भी। एक स्टूडेंट जो कि CSR क्वालिफाई करके मुझसे मिलना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसी ट्रेन हादसे में अब नहीं रहे। मुझे उनके रिलेटिव्स ने ये बताया कि वो दिन रात आपकी वीडियो देखते थे और वो चाहते थे कि वो क्वालिफाई करके मिलेंगे, और 6 जून को काफी कॉन्फिडेंट भी, लेकिन किस्मत का खेल देखो कि वो आज जो है वो हमारे साथ नहीं है। और इसीलिए मैं कई बार ये चीज कहता हूँ कि गाइस, जिंदगी है तो सब कुछ कर लेंगे, और ये बहुत जरूरी है। और ये इंसिडेंट से मैं काफी मतलब दुखी भी हुआ था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मेरे हाथ में कुछ है नहीं इस वक्त, क्योंकि ये सब चीजें जो है बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल मैनर में हुई हैं और इसके पीछे जो है किसी का जोर भी नहीं है। इसी के साथ मेरे पास एक और ईमेल आया था एक स्टूडेंट का, मैं यहाँ पे नाम मेंशन नहीं करूंगा। उन्होंने एक जो है मेल किया, वो मेल जो है आप देख सकते हैं। अब उस मेल में जो है बेसिक तौर पर उन्होंने उनका जो मेल देखा, मैंने जब उनका मैसेज देखा तो लिटरली मुझे ऐसा लगा कि यार लोग कितने ज्यादा जो है इंस्पायरिंग हो सकते हैं, ऐसे लोग बहुत ही इंस्पायर करते हैं। ये इंसान भी उसी रेल हादसे में थी बालासोर और कोरमंडल एक्सप्रेस वे, इन्होंने पूरी अपनी वो लिखी हुई कि इन्होंने किस तरीके से गुजरा है। आप मेल में देखोगे, मैं उसका जो है स्नैपशॉट अटैच कर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये प्राइवेसी का काम। बट अल्टीमेटली मुझे ये मेल दिखा थी कोई सिंपथी या कोई ऐसी चीज जो है गेन करने का, कुछ ऐसा दिखाने का कि मैं बहुत अच्छा या बहुत ही अटैच पर्सन हूँ, ऐसा कुछ नहीं। बट जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को वो करेजियस स्टेप लिया, हाथ में चोट लगने के बाद, पैर में चोट लगने के बाद, व्हील चेयर पे बैठने के बाद भी जो है वो एग्जाम देने के लिए अपने आप कन्विंस कर पाई, ये अपने आप में बहुत बड़ा करेजियस है। कि कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले जो है वो एक ऐसे हादसे से गुजरी जो मेंटली एकदम ड्रेन कर चुका, और कहीं ना कहीं जो है किसी और सिचुएशन में आप जा ही नहीं सकते। वो चीजें, वो सिचुएशंस, वो सीन, वो सब कुछ, वो हादसे का जो पूरा का पूरा विजुअल से वो बार बार माइंड में आ रहा हो, फिर भी ये हिम्मत करके एग्जाम सेंटर में पहुंच जाना ही आपकी जीत के बराबर। आप ये मैसेज कर रहे थे या आपने ये कहा कि सर मुझे अपने परफॉर्मेंस से खुशी नहीं हुई, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि ये जो केस आपने देखा या इस सिचुएशन पे देखने के बाद अगर आपने इतनी हिम्मत भी करनी कि आप एग्जाम सेंटर में पहुंच गए, तो समझ लो आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया। मैं बार बार यही कहता हूँ कि देखो, अगर जिंदगी है ना, तो हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, और वो अभी आपके पास है। धीरे धीरे मैं आपकी बेहतर हेल्थ की हेल्थ की कामना भी करता हूँ। और जितने भी लोग इस हादसे में जो है जो नहीं रहे, उनसे सहानुभूति है, और जो लोग बचे हैं मैं कामना करूंगा कि वो जल्दी स्वस्थ हो। और इस पूरे के पूरे इंसिडेंट से जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को एक करियर स्टेप के थ्रू एग्जाम सेंटर तक पहुंचाया, क्वेश्चन किया कम से कम, चाहे वो पास होती है या फेल होती है हमें नहीं पता, और शायद वो उतनी कॉन्फिडेंट भी नहीं है और शायद हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि रीजन है कि कहीं ना कहीं जो इतना ज्यादा जो है सिचुएशन वर्स था कि दिमाग से तरीके से काम करेगा। लेकिन इन सब चीजों के अलावा भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि आपने वो स्टेप उठाया, आपने अपने करियर के लिए एक स्टेप उठाया। और मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप लाइफ में कभी ना कभी जो है जब भी बेहतर फील करेंगे तो इससे बेहतर सिचुएशन में जरूर पहुंचेंगे बेसिक तौर पे करियर वाइज। और ये चीज मैं स्टूडेंट्स को भी इसलिए बताना चाह रहा हूँ, सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो के माध्यम से, कि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं
जो आप जानते नहीं, आपके बीच में रह के भी जो है इतना सब कुछ जो है वो करते हैं, इतना सब कुछ झेलने के बाद भी वो जो है अपने करियर ओरिएंटेड करते हैं, तो आपने अभी कुछ फील किया ही नहीं। छोटे मोटे फेलियर, छोटे मोटे फैमिली कॉन्फ्लिक्ट और इन चीजों के अलावा आप एग्जाम छोड़ते हैं या एग्जाम छोड़ने की बात करते हैं या आप आगे प्रिपरेशन करने की बात नहीं करते, उन सभी के लिए ये इंसान जो है वो मिसाल है, ये बच्ची जो है वो मिसाल है। इसने जो है कहीं ना कहीं जो है वो चीज अचीव किया और वो अचीवमेंट जो है वो कॉन्फिडेंस का, वो गट्स का, वो स्ट्रेंथ का, वो कह सकते हैं करेज का, वो अचीवमेंट ही सब कुछ है। आपका वो डिग्री अचीवमेंट नहीं होता, आप किस तरीके से जिंदगी में फाइट करते हो वो अचीवमेंट है। और मुझे इस इंसिडेंट ने इतना वो किया, ऑल्दो मैं भावुक भी हूँ लेकिन साथ साथ में मुझे लगा कि मैं जो है इस पे बात करूं, और मैं यही उम्मीद करूंगा कि डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, हताश होने की जरूरत नहीं, एग्जाम सब कुछ डिसाइड नहीं करता, लाइफ है तो सब कर लेंगे। और ये मैं सभी लर्नर को बोलना चाहूँगा, कभी भी हताश होना किसी भी चीज की वजह से, चाहे आपका एग्जाम कोई भी चीज की वजह से खराब गया हो, उसके लिए हताश नहीं होना। आपके पास अगर लाइफ है, यू विल डू लाइक बेस्ट या बेटर इन नेक्स्ट चांस, आप जो है नेक्स्ट चांस में जरूर बेटर करेंगे। कहते हैं ना, यू विल हैव अनदर चांसेस, एंड चांसेस में जो है कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे। भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोलता है, डेफिनेटली वही चीज होती है। और मैं अगेन इस वीडियो में लास्ट में यही कहना चाहूंगा गाइस कि जिंदगी है तो हम है और हम है तो जिंदगी है, लाइफ को अच्छे से रखे रहें और कृपया करके जो है अपने और अपने परिवार का भी ध्यान रखें, क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि यही है तभी सब कुछ है। और करियर में धीरे धीरे सब कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। और जितने भी स्टूडेंट्स अभी डीमोटिवेटेड लो और चीजें फील कर रहे हैं, अगेन जो है आप मुझे जो है कनेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी viren.biotech@gmail.com पे, या आप मुझसे अगर कॉल पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल में लिखें कि आप मुझसे कॉल पे कनेक्ट करना चाहते हैं, आई विल सेंड यू माई नंबर, यू कैन कनेक्ट मी ऑन द कॉल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ जो है आपको एक अच्छा, एक करेजियस मैसेज देने के लिए था। उस बच्ची ने बहुत अच्छा किया, आप लोग भी कर सकते हैं और आप लोग भी कर रहे होंगे कहीं ना कहीं फेजेस से, इसी तरीके से लगे रहिए, भगवान आपके साथ है, थोड़े बहुत हम भी कंट्रीब्यूशन रोल प्ले कर रहे हैं और डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा होगा गाइस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।